हेलो गाइस, जय श्री राम। फिर से मेरा एक न्यू ब्लॉग वीडियो बनने जा रहा है, जिसमें कि आज मेरा बहुत सब्सक्राइबर सब यहाँ बैठ गया है। लोग सब्सक्राइबर सब थोड़ा बहुत बीड़ी उड़ी पीता है, नहीं पीना तुम लोग को। तो चलिए अब आगे की ओर जा रहे हैं, देख लीजिए लोग निकल गए अपना अपना पी के। और इधर आप लोग देख लीजिए, बबूल का पेड़ है और रोज की तरह आज फिर से निकल गए। शाम का टाइम अभी देख सकते हैं, सूर्य अस्त होने पर है। और इधर देख लीजिए आप खेत उत, एक लड़का उधर वीडियो के डर से भाग गया, लाल शर्ट, लेकिन कोई बात नहीं, उसका साइकिल है, साइकिल लेके हम भाग सकते हैं, कहे कि उत्ताला नहीं लगाया है। तो चलिए अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। उधर झोपड़ी भी आप देख सकते हैं, वो झोपड़ी में आदमी लोग रहते हैं। तो चलिए फ़िलहाल चल रहे हैं, बाकी सारा चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे। इस साइकिल में एक कुदाल रखा हुआ है और वो छोड़वा डर से भाग गया कि हम भी वीडियो में आ जाएंगे। तो चलिए चल रहे हैं। और जो भी इधर देखिए, बांध पूरा गड्ढा हो गया, उस दिन दिखाए थे आप लोग को, हो रहा था, आज पूरा हो गया कंप्लीट। और इधर पहले जो हम वीडियो में आप लोगों को दिखाए थे, इधर क्रिकेट के बारे में आप लोगों को बताए थे, तो आज फिर से नहीं बताएंगे, क्या कि हमेशा एक ही चीज़ कितना बताएंगे। तो चलिए फिलहाल चल रहे हैं। और इधर आपका गाय सब है, उसके बाद फिर इधर मोटरसाइकिल और इधर हम। तो चलिए चल रहे हैं फिलहाल। और इधर ऊपर में आसमान है और उधर आपका सूर्य भगवान हो गया, देख लीजिए शाम का टाइम है, कितना बढ़िया लग रहा है। इधर खेत सब में गाय चल रहा है और भैंस भी, अच्छा भैंस नहीं है, गलती से बोल दिए। तो चलिए फिलहाल। और इधर भी देखिए, अब बांध पे कम स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे देखिए बहुत ही धूल है, धूल सब अब बारिश होगा उसके बाद ही ख़त्म होगा। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं इधर धूल, ये सब धूल एक तरह से बहुत बढ़िया चीज़ है। यदि आपको किसी भी प्रकार का खुजली सब होता है, उसमें इसका यूज कर सकते हैं, पानी डाल के इसका हल्का लेप लगाइएगा तो ठीक हो जाएगा। और इधर देखिए आप लोग, बांध है, बांध में पानी नहीं है। और इधर रोड पे साइकिल आ रही है। तो चलिए फिलहाल चल रहे हैं आगे की ओर, जो भी होगा सारा चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे और दिखा ही रहे हैं। और कुछ देर में अब मेन रोड पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर आगे का जो भी होगा दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बहुत ही जल्द रोड पर पहुँच जाएँगे, उसके बाद फिर आप लोगों को गाड़ी दिखाएँगे कि हमारा रोड पर कौन कौन सा गाड़ी चलता है। तो चलिए फिलहाल चल रहे हैं, जल्दी से जाके फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि मेरा जो मेन रोड है वहाँ से कौन कौन सा गाड़ी आपको देखने के लिए मिलेगा या फिर आपको बैठने के लिए मिलेगा। तो उसके बाद हम जाके आप लोगों को जल्दी से जल्दी दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़े रहिए। और इधर देखिए बिजली का खंभा है, उधर वहाँ पर JCB लगा हुआ है, उधर भी काम चल रहा है। और इधर थोड़ा रोड ख़राब हो गया है, क्योंकि इधर से मिट्टी कुछ दिन से ढुआ रहा था। तो चलिए आगे जाके दिखाते हैं। इधर आपका हो गया ये 33,000 बिजली का तार, 33,000 नहीं सॉरी 11,000 है। तो चलिए आगे जाके और जो भी होगा सारा चीज़ दिखाएंगे। उधर से बहुत लोग आ रहे हैं, इसीलिए हम उधर अब कैमरा नहीं करेंगे, कैमरा इधर कर देंगे और उसके बाद आगे जाके उसके बाद जो भी होगा आगे का चीज़ दिखाएँगे। इसीलिए यदि कोई दूसरा आदमी आ जाएगा तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अब अपने रोड पे पहुंच चुके हैं। हमारे रोड पे यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए आप लोग BEd DLED सब का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पे आपको देखिए गाड़ी साइकिल मिलेगा जाने के लिए, उसके बाद फिर बाइक मिलेगा, ऑटो मिलेगा, सारा चीज़ मिलेगा। तो ये लोग देखिए अपना आराम से चल रहा है, आराम से चलो बाबू। और देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, रोड पे यहीं पे खड़े हैं, अभी हमको फ़िलहाल वैसे कहीं जाना नहीं है। तो चलिए देखिए, यही सब ऑटो आपको मिलेगा जाने के लिए और बाइक सब भी मिलता है। तो हम अभी यहीं पे खड़े हैं मेन रोड पे। और उधर पहाड़ है, पहाड़ का वीडियो पहले हम दिखाए थे। और यहीं से हम लोग घर जाते हैं, यही रोड से। और यहाँ पर यदि आपको कहीं जाना है बांका, अमरपुर, भागलपुर, तो यहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं गाड़ी यहाँ पे चल रही है, ऑटो सब देखिए, ऑटो पे मुस्कुरा रहा था भैया। तो चलिए फिलहाल यहीं पे बैठते हैं 5 मिनट, उसके बाद फिर चलेंगे। तो यही पुल है, इस पे बैठते हैं 5 मिनट, उसके बाद चलेंगे।
और इधर देखिए आप लोग, यहाँ पे ट्रक उरक सारा चीज़ चलता है। इधर टोटो आ गया, टोटो सब एकदम आराम आराम से चलता है। और इधर ट्रक हो गया, इधर से साइकिल उकिल जो भी है सारा चीज़ चलता है। और इधर ऑटो, उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा इस रोड में आपको साइकिल देखने के लिए मिलेगा, कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 साइकिल निकल गया। और इधर से 4 व्हीलर, वो भी अपना ब्लॉग बनाते हुए जा रही थी। तो इधर देखिए हैवा आ गया, उसका ब्लॉग वीडियो में हम लोग आए होंगे, और हमारा ब्लॉग वीडियो में वो आ गई 4 व्हीलर वाली। चलिए जो भी होगा सारा चीज़ दिखाएंगे 5 मिनट बैठ के रोड पे। तो चलिए इधर से अब एक गाड़ी और आ रही है, देखते हैं कौन सा गाड़ी है। ये आपका लग रहा है होंडा साइन, आराम से चलिए भैया। इधर से देखिए बिना हेलमेट का चल रहा है, हेलमेट पहन लीजिए कम से कम। देखिए इधर से 4 व्हीलर निकल गया। तो चलिए जो भी आ रहा है सारा चीज़ आप लोगों को दिखा रहे हैं। फिर से एक टोटो आ रहा है, और हम अभी आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम है और मेरे बड़े भैया हैं। ये अपना मोबाइल देख रहे हैं और हम अपना ब्लॉग वीडियो शूट कर रहे हैं। और इधर से देखिए मोबाइल कैसे चलाता है बाइक पे, मोबाइल कम से कम रोक के बात कीजिए। और इधर से फिर एक टोटो आ गया, आराम से चलाते हुए। इतना लोड काय कर लेते हैं भैया, कम थोड़ा कीजिए। तो इन लोगों से निवेदन है कि थोड़ा माल कम लोड करें। और इधर देखिए जैसा कि आगे में नहीं बैठाना चाहिए, और ये आगे में बैठा के जा रहे हैं, इससे दिक्कत हो सकती है। तो चलिए, वैसे तो मेरा ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा इस चक्कर में आप लोगों को दिखाने के चक्कर में, लेकिन फिर भी सोचे कि थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दें। और पहले हम लोग दौड़ने आते थे, सुबह सुबह यहीं दौड़ना पड़ता है, क्योंकि हम लोग के गाँव में कोई फील्ड उल्ड वैसे नहीं है। तो चलिए हम रोड थोड़ा सा क्रॉस करते हैं, बाइक को गुजरने देते हैं, उसके बाद फिर रोड क्रॉस करते हैं। फिर आप लोगों को जो भी होगा दिखाएंगे। इधर आपका मैं, इधर आप जाइएगा बाका, यानी कि मेरे गांव से आने के बाद बायां साइड बाका और दाहिना साइड आप अमरपुर निकल जाइएगा। तो ये जो इधर देख रहे हैं, इधर अमरपुर निकल जाइएगा और मेरे पीछे बाका निकल जाइएगा। और यहाँ पर एक सीजन का पेड़ है। और इधर देखिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ऑटो ऑटो सारा चीज़ चलता है। और इधर पहाड़ वहाड़ है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल अभी यहीं पे हैं, शाम का टाइम हो गया है, अब कुछ देर में घर निकलेंगे। और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो बना सकें। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।